मुल्क के दीगर शहरों की तरह दादू में भी ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहायत अकीदत और एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुनासबत से रैलियां भी निकाली जा रही हैं। आशिकाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब से मरहबा या मुस्तफ़ा के नारे भी लगाए जा रहे हैं। इस वक्त हमारे नुमाइंदे शुएब रहीम रैली में मौजूद है, मजीद तफसीलात उनसे जानते हैं। जी शुएब, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, पूरे मुल्क की तरह दादू में भी जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़ी अकीदत और एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। मजहबी जमायतों की जानिब से शहर भर में रैलियों का सिलसिला भी जारी है। इस वक्त एक मजहबी जमायत की जानिब से रैली यहां पहुंची है न्यू चौक पर। इनसे बात करते हैं कि आज का दिन सर कैसे मना रहे हैं? आज का दिन हमारे लिए ईद से भी बढ़कर है, क्योंकि इस दिन हुजूर पाक अलैहिस्सलाम जिनके लिए अल्लाह ताला ने ये कायनात बनाई, जिनके लिए अर्शो फर्श बनाए और 18,000 मखलूक बनाई, उनका मिलाद नबी मना रहे हैं। आज का दिन हम मुसलमानों के लिए एक ईद से बढ़कर दिन है, क्योंकि इस दिन हुजूर पाक अलैहिस्सलाम की विलादत हुई। आज का दिन आप कैसे मना रहे हैं? आज का दिन बड़ी मोहब्बतों वाला दिन है। ये दिन वो दिन है जिसके सदके में अल्लाह ने इस कायनात को तख्लीक किया। अंजुमन सरफरोशान इस्लाम आज के दिन को ईद से भी बढ़कर दिन मनाती है, कि इसलिए कि खातमुन नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत का दिन है। जी बिल्कुल, आपने देखा कि इनका यही कहना है कि आज का जो दिन है वो ईद का दिन है। यही आज का दिन जो ईद के दिन की तरह ये मनाया जा रहा है। दूसरी जानब मैं ये भी बता चलूं कि सिक्योरिटी के भी इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए हैं शहर के मुख्तलिफ इलाकों में और जुलूसों के गुजरगाहों में। ठीक है, बहुत शुक्रिया शेख तहीम, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे।